नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बस्ती के कलावरी में बाढ़ प्रभावित गांव कलहरी पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री बांटी। साथ ही राहत सामग्री बांटने के दौरान मंच पर भाषण देते समय अंकिता यादव नाम की महिला रोती हुई सुरक्षा घेरे में से तोड़कर डिप्टी सीएम के पास पहुंच गई। डिप्टी सीएम ने महिला को मंच से उतरकर कुर्सी पर बैठाया, उसको पानी पिलाया और समस्या भी सुनी। महिला ने कहा कि उसको आवास और शौचालय अब तक नहीं मिला है, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को तत्काल जांच कर महिला की समस्या के समाधान का आदेश दिया। डिप्टी सीएम ने कहा है कि हमारी सरकार बाढ़ पीड़ितों को हर स्तर पर मदद कर रही है। बाढ़ पीड़ितों में लगातार राहत सामग्री बांटी जा रही है। जिनके घर नदी में गिर गए हैं उनको सरकार आवास भी दे रही है। ओपी राजभर के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो हमारे पुराने मित्र हैं। मथुरा में पुलिस ने लूट की सूचना देने वाले को पकड़ लिया है, जिसके बाद आरोपी ने खुद ही लूट की साजिश को अंजाम दिया था। दरअसल थाना जमुनापुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मवाली में 3 लाख की लूट हुई थी। गैस एजेंसी में काम करने वाला कर्मचारी पैसे जमा करवाने जाता है, उसी दौरान कुछ अज्ञात लोग उससे पैसे लूट करके ले लेते हैं। बैंक में लूट करने वाला अपराधी 3 लाख रुपये लेकर के अपने मालिक के खाते PNB बैंक वृंदावन शाखा में 3 लाख रुपए में जमा करने के लिए गया था। तभी उसे रास्ते में लालच आ गया और लूट की साजिश खुद ही बना ली और पुलिस को सूचना दे दी कि मेरे साथ 3 अज्ञात व्यक्तियों ने तमंचा दिखा करके मुझसे 3 लाख लूट लिए हैं। मथुरा SSP ने 4 टीम गठित कर दी है। पुलिस जाँच में जुट गई है। अब पता चला है कि CCTV कैमरे की मदद से पुलिस घटना तक पहुँच गई और गैस एजेंसी के कर्मचारी आकाश को पकड़ लिया है। थाना जमुनापार में दिनांक 15 को आदित्य चंद्रा, जो गैस एजेंसी के मालिक हैं, उन्होंने सूचना दी कि उनके कर्मचारी आकाश जो बैंक में पैसे जमा कराने जा रहा था, 3 लाख रुपए कैश लेके जा रहा था, उसको रास्ते में एक इको कार से सवार 3 लोगों ने असलहे के बल पर लूट लिया है। इस सूचना पर थाना जमुनापार में अभियोग पंजीकृत किया गया था और इसमें कई टीमें लगाई गई थी, हमारी सर्विलांस की, स्वाट की और जमुनापार पुलिस द्वारा इसमें काम किया गया और 24 घंटे के अंदर ही इस घटना का अनावरण किया गया है। इसमें जो व्यक्ति आकाश पैसे लेके जा रहा था, वो खुद ही उसकी नियत में कुछ खोट आ गई थी और उसने पैसे एक अपने परिचित के यहाँ रख के झूठा बैंक तक गया और लौट के जब वो वापस आया तो रास्ते में उसने बताया कि हमारे साथ लूट हो गई है। खबर मथुरा से है, जहां तहसील पर हो रही अवैध पार्किंग करने वालों की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां सरकारी कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करते हैं। साथ ही आए दिन पार्किंग करने वालों के साथ अवैध वसूली किया जाता है। सरकारी कर्मचारी के साथ पार्किंग करने वालों ने बाइक में चाबी निकालकर फरार हो जाते हैं। खबर सहारनपुर से है, जहां मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। वहीं सड़क हादसे में BJP नेता की मौत हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मृतक युवक की पहचान गौरव चौहान के रूप में हुई है। बता दें कि गौरव चौहान मेरठ BJP जिला कार्यकारिणी के सदस्य थे। ये घटना देवबंद के निकट साई धाम के पास हुई है। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। BJP के पसमांदा सम्मेलन का AIMIM के प्रवक्ता के बयान के बाद देवबंद से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला संयोजक राव मुशर्रफ अली पुंडीर ने कहा है कि AIMIM के प्रवक्ता ने जो कहा है, भारतीय जनता पार्टी परमानंद सम्मेलन करा रही है, ये कुछ मुस्लिम इकट्ठा हो रहे हैं जो शरीयत विरोधी हैं, जबकि AIM पार्टी खुद इस्लाम विरोधी है। क्या दूसरे धर्म के लोगों को गाली देना और दूसरे धर्म की बहन बेटियों का अपमान करना, बेइज्जती करना, क्या इस्लाम धर्म यही सिखाता है? और पसमांदा मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी सरकार में, चाहे वो केंद्र की हो या उत्तर प्रदेश सरकार की हो, पसमांदा मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा लाभ मिला है। जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं हैं, चाहे वो जन कल्याणकारी योजना केंद्र सरकार की हो या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजना हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पसमांदा मुसलमानों को सबसे ज़्यादा लाभ मिला।
अगली खबर श्रावस्ती से है, जहां एसपी अरविंद कुमार मौर्य के निर्देशन में अभियान चलाया गया। अपराधियों को धरपकड़ के लिए पुलिस सक्रिय हो गई है। पुलिस ने गौवध करने वाले 3 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। मल्लीपुर थाना क्षेत्र से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के संभल जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां सिपाहियों ने एक चौराहे का नाम बदलकर मुलायम सिंह यादव स्मृति चौक रख दिया है। बताया जा रहा है कि रात में सिपाहियों ने चौराहे पर नए नाम का बोर्ड लगा दिया। सुबह नाम बदलने की पुष्टि भी कर दी गई है। इस पूरे मामले में नाम बदलने की शासन प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई है। पूरा मामला धनारी थाना इलाके में आरथल चौराहे का बताया जा रहा है, जहाँ जिला पंचायत सदस्य कुंवरपाल सिंह यादव और उनके भाई महिपाल सिंह यादव ने इस चौराहे पर मुलायम सिंह यादव स्मृति चौक कर दिया है। यहाँ से विधायक और मुख्यमंत्री रहे और नेताजी का यहाँ बहुत लंबा लोगों के बीच में प्यार रहा है। और यहाँ जो काम नेताजी ने किए हैं, शायद इन 70 सालों के अंदर नेताजी का जो कार्यकाल था मुख्यमंत्री काल का, यहाँ हजारों किलोमीटर सड़क पड़ गई, पुल बना गंगा का, मिल लगी, नौकरियाँ में भी लोगों को जैसे भी मिली। संभल में दिखा तेज रफ्तार का कहर, 2 बाइकों की भीषण भिड़ंत में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उपचार के लिए घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के मुरादाबाद रोड वाजिदपुरम बाईपास पर यह घटना हुई है। संभल में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। 5 करोड़ से अधिक की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने की ये बड़ी कार्रवाई की है। ढोल नगाड़ों के बीच पहुंची पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी खलील अहमद चौधरी की संपत्ति पर ये बड़ी कार्रवाई की है। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त के न्यायालय से जारी हुआ आदेश संभल की असगुमोली थाने इलाके के गांव अकबरपुर गहरा और मढ़ना में ये संपत्ति कुर्क की गई है। संभल पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात से पर्दा उठा दिया है। पुलिस ने दोनों के पास से लूटी रकम और बाइक के साथ अवैध शस्त्र बरामद किया है। खास बात यह है कि गिरफ्तार 2 आरोपियों में से एक बीएससी फर्स्ट ईयर का छात्र है, वहीं दूसरा हाई स्कूल पास है। अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए दोनों छात्र लुटेरे बने हैं। विगत दिनांक 10/10/22 को दो मोटरसाइकिल सवार द्वारा एक युवती को, जो कि मोटरसाइकिल पर अपने पति के साथ जा रही थी, उनके हाथ से पर्स छीन लिया, जिसमें लगभग 6,000 रुपये थे और कुछ पेपर्स थे। इस संदर्भ में विवेचना के मध्य दो नाम प्रकाश में आए और मुखबिर की सूचना पर उनको ट्रेस किया गया। चेकिंग के दौरान उनको रोका गया और जिसे उनके इंटरसेप्ट करके पकड़ के उनकी तलाशी की गई, तो उनके पास कब्जे में एक तमंचा, 315 बोर में कारतूस एवं दूसरे अभियुक्त के पास एक चाकू बरामद किया गया। आगामी दीपावली पर्व को लेकर के जिले में पटाखों की बिक्री को लेकर के महाराजगंज पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। वहीं पुलिस जांच अभियान चला करके पटाखा विक्रेताओं को दिशा निर्देश देने में लगी हुई है। बात करें, जिले में कुल 49 पटाखा बिक्री लाइसेंसी दुकानें संचालित हैं। इन सभी दुकानों पर पुलिस के द्वारा जांच अभियान के तहत सुरक्षा मानकों के तहत दिशा निर्देश दिया जा रहा है। साथ ही साथ पटाखा बिक्री के लिए नए लाइसेंस लेने वाले दुकानदारों को भी महाराजगंज पुलिस के द्वारा सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए पटाखा बिक्री के लिए 2 दिन का समय दिया गया है। आगामी दीपावली त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए पूरे जनपद में जो भी लाइसेंसी हैं, टोटल 49 लाइसेंसी हैं इस जनपद में, उनकी भी चेकिंग की जा रही है और उनको जो सुरक्षा के मानक हैं उसका पालन करने के लिए आदेश दिया गया है। और साथ में ये भी बताया गया है कि जो नए टेम्प्ररी लाइसेंस लेंगे, जो ठीक उससे पहले प्राप्त करते हैं 2-3 दिन पूर्व, उनके लिए भी दिशा निर्देश है कि बाजार से हट करके, चूंकि ये शासन से भी दिशा निर्देश मिले हैं,
उनको ऐसे स्थान पे ही उनको बिक्री करने के लिए अलाउ किया जाएगा जहाँ पे कोई कस्बा ना हो या कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका ना हो, और सारे सुरक्षा के मानक को दृष्टिगत रखते हुए ही ये बिक्री करे या फिर मैन्युफैक्चरिंग वाली जो भी चीज़ें इनके द्वारा की जा रही है उसका अनुपालन करवाए। खबर सीतापुर से है जहां शॉर्ट सर्किट से साड़ियों के सेंटर में भीषण आग लग गई। आग से दुकान और मकान जलकर के खाक हो गए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 30 लाख रुपए से ज्यादा के नुकसान हुए हैं। वहीं घर में मौजूद 80 साल की बुजुर्ग इस घटना में मौत हो गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के सीतापुर में बाढ़ को लेकर के जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन लगातार बाढ़ इलाकों पर नजर बनाए हुए है। सामाजिक कार्यकर्ता भी अपना सहयोग योगदान भरपूर मात्रा में दे रहे हैं। सीतापुर के एनसीपी जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने बाढ़ इलाके के लोगों का हालचाल जाना और राहत सामग्री का वितरण भी किया। प्रवीण सिंह ने बताया कि कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां पर लोगों को अभी तक प्रशासन द्वारा राहत सामग्री नहीं पहुंचाई गई है। प्रधान द्वारा बात हुई तो प्रधान ने बताया कि सूची तैयार की जा रही है। आखिर कब तक सूची तैयार होगी? प्रशासन से तत्काल उन लोगों को राहत सामग्री पहुँचानी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी के से मांग करता हूं कि एक बार हवाई सर्वेक्षण कर एक टीम गठित कर जांच करनी चाहिए जिससे प्रशासन की उदासीनता का पर्दा हट सके। खबर बाराबंकी से है जहां गन्ना विकास और चीनी मिल मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने जिले के तहसील सभागार में आज बैठक की। वहीं बाढ़ प्रभावित लोगों से बात कर उनको राहत सामग्री भी वितरण किया। साथ ही मंत्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि किसी भी जनमानस को बाढ़ के कारण कठिनाइयां न उठानी पड़े, इसके लिए सरकार हर संभव मदद कर रही है। संभल में चिता जलाने को लेकर के विवाद हो गया है जहां गुस्साए ग्रामीणों ने शव को हाईवे पर रख करके विरोध प्रदर्शन किया। शव को हाईवे पर रख करके प्रदर्शन करने की सूचना पर तहसील प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची जहां ग्रामीणों को समझा बुझा करके अन्यत्र स्थान पर अंतिम संस्कार किया गया। ये पूरा मामला बहजोई थाना क्षेत्र के पवासा का बताया जा रहा है। खबर संभल से है जहां एआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के खिलाफ फूटा बीजेपी युवाओं का गुस्सा। शौकत अली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला भी फूंका गया। साथ ही गिरफ्तारी की मांग को लेकर के जमकर प्रदर्शन किया गया। साधु संतों और महिलाओं के लिए भड़काऊ बयानबाजी से गुस्साए भाजपाइयों ने ये उनको जेल भी ले जाने की बात कही गई है। ये पूरा मामला बहजोई थाना क्षेत्र के पवासा का बताया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers.